यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून की जगह, एक नंबर मस्त। यहाँ पे अजीम भाई लेकर आए थे, मूड ख़राब है इनके ऊपर सभी लोगों का, हमारा सुलेमान भाई, अयूब भाई, ये भाई साहब हैं जी। आपको कहेंगे अपनी सफाई में? सफाई क्या जानते हैं, शर्मिंदा है, शर्मिंदा है। बहुत ही अच्छी जगह वैसे है यहाँ पे, अगर सुबह से आया तो ज़्यादा बढ़िया रहता, टाइम लग गया थोड़ा सा। वाओ, यहाँ पे टिपुल है, टिपुल के मोटर लगे हुए हैं बहुत तगड़े। इसमें तो भाई इंसान भी चला जाएगा पूरा। प्लान है, देखते हैं। भाई बोल रहे हैं कि आगे चलो और ही अच्छा लगेगा, देखते हैं आगे। आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि नदियों से पानी नहरों में छोड़ करके खेतों में लगाया जाता है, लेकिन ऐसा आप लोग अब देखेंगे। जहां हम आपको लिए चल रहे हैं, ये एक डैम बना हुआ है, ये गोमती नदी का है, न्यूमतार में, ये हमारे गाँव के करीब पास ही पड़ता है। तो आपको हम आज ये चल रहे हैं, आप देखिएगा कि कैसे कैसे पानी नदी से लेकर के नहर तक पहुंचा करके हमारे खेतों में पहुंचाया जाता है। आप लोग अभी आके देखिए। तो हम लोग बढ़ते हुए हैं उस नज़ारे की तरफ, भाई ने बताया कि बहुत अच्छा नज़ारा होगा, लेकिन देखने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं। गाइस हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं साइड पे, और आगे क्या करना है और कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, भाई अपना सीन बताएंगे। तो फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुँच चुके हैं जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था। हमने आपको बताया था कि कैसे नदियों से पानी नहरों में छोड़ा जाता है, इसका पूरा नज़ारा हम आपको दिखाते हैं, आप देखिए। ये जो नदी में लगे हैं इतने बड़े बड़े पंप, ये जो आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये पंप जो लगे हैं, ये जो आया है अंडरग्राउंड यहाँ से हो गया है, तो इन्हीं से पानी खींच खींच कर भेजा जाता है उनके खेतों में जो लगाया जाता है। बहुत ही गजब का नज़ारा है भाई। हम लोग नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं और देखते हैं कि कोई गिरता है उसकी भी फिल्म बनी। वहाँ
यहाँ पे सारा इंतजाम रखा है इनका, पानी नहीं खींचने वाला, ये वायर्स के हुए हैं तार वगैरह कुछ है खतरनाक। फिर लाइट आ रही क्या? तो यहाँ से ये जो सीन बता रहे थे, हाँ बताओ भाई। तो आप देखिए, यहाँ से मशीनों से पानी छोड़ा जाता है नदियों से, जो नहर में जाता है पानी। देख लीजिए गोमती नदी बह रही है यहाँ पे, थोड़ा कचरा भर गया है क्योंकि वो बरसात चल रही है। तो सामने देखिए कि यहाँ से कैसे ये रखी हैं मशीनें, रखी हैं बड़ी बड़ी, इससे पानी छोड़ा जाता है नहरों में। देख लीजिए सब दूर से दिखा दिए कैसे क्या वो टाइम है, बोट है पानी में तैरती रहती हैं, डूबती नहीं। जितना पानी का लेवल ऊपर आता है ये ऊपर बढ़ती ले जाती है, नीचे आता नीचे चले जाती हैं, डूबती नहीं है ये बोट है। ये लेवल है पानी का कि कितना क्या जाता है ऊपर, ये पूरा मतलब लेवल कर रखा है यहाँ पे, कितना पानी लेवल में है और कितना जाना है, मतलब कितनी बारिश हुई है क्या हुआ, ये लेवल है पानी का। देख रहे हैं दूर तक कि वहाँ तक की बरसात में पानी पहुँच जाता है। अभी बाढ़ चल नहीं रही है, हल्की चल रही है, बाकी बाढ़ में वहाँ तक पानी पहुँच जाता है जहाँ तक वह आप पेड़ देख रहे हैं लगे हुए, इतना पानी ऊपर तक आ जाता है। इस साइड में कितना आता है पानी? इस साइड में वो जो एक आप देख रहे हैं सेकंड वाला, वो सेकंड वाला पिलर है, वहाँ तक पानी पहुँच जाता है बस। ओफो, मतलब वो सेकंड वाला पिलर जो वहाँ पे लगा है वहाँ तक पानी इसका पहुँच जाता है। काफ़ी खतरनाक सा सीन होता होगा यार जब यहाँ बारिश वगैरह बाढ़ में। हम लोग वापसी फाइनली ये देख चुके हैं, अब आपको चलते हैं गोमती रिवर फ्रंट पे, जो एक नंबर का धांसू बना हुआ है जहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और स्नान करते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। यहाँ पे मंदिर का देखिए निर्माण हो रहा है क्योंकि ये नीम तार के पास है, इसीलिए यहाँ पे हर टाइम मंदिर का बनना चालू रहता है क्योंकि श्रद्धालुओं की धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। हम लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ बताया था कि पहुँचना है, हम लोग बहुत देर से चलते जा रहे हैं, काफ़ी दूर नहीं है लेकिन इलाका अच्छा है, टाइम भी नहीं पता चल रहा है और इस टाइम जो वक्त हो रहा है हमारा वो हो रहा है 1:05, काफ़ी भूख भी लग रही है। ये जो है ये क्या है, डैम, बहुत ही गजब का नज़ारा है। हम लोग बहुत देर से चल रहे हैं, अभी वहाँ तक वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, पहुँच जाएंगे कि बहुत ही करीब है और नज़ारे भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये बदल और ये डैम है, धीरे धीरे चलो भाई। फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, बताएंगे भाई कि आगे क्या क्या। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हम लोगों को आना था गोमती रिवर फ्रंट पे, चलिए आपको दिखाते हैं, चलिए आगे आइए। बहुत ही गजब का व्यू है यार यहाँ का। तो फाइनली हम लोग अपने लोकेशन पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे आने के लिए। बहुत ही गजब का माहौल, ऑसम व्यू, व्यू के अलग ही नज़ारे हैं अपने। चलते चलते नीचे आ गए हैं, एकदम से नीचे ऊपर का व्यू ये है, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे एक दुकान लगी हुई है, काफ़ी लोग यहाँ नहाते हैं, हर टाइम नहाते रहते हैं और ये इनका बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पे लोग नहाते हैं। यहाँ के कौन सी नदी है? गोमती नदी। गोमती नदी का व्यू है, ये क्या व्यू है इसका। आप लोगों को शायद मछलियाँ दिख रही होंगी, हमको तो दिख रही हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से।
वापस जा रहे हैं दूसरी जगह। और ये इधर रास्ता है, अब हम लोग दूसरी तरफ के लिए निकल रहे हैं, दूसरी साइड के लिए, दूसरे व्यू के लिए, देखते हैं वो कैसा है। यहाँ पे रोड बीच में फटी पड़ी है, पता नहीं बरसात में पानी गिरता है तो यहाँ पे रोड कटती चली जाती है। तो ये भी देखिए पूरा जंगल है चारों तरफ। कितना खतरनाक रास्ता। तो हम लोग देखे जा रहे हैं इस रोड से, इस रोड की हालत बड़ी तंगी है बरसात में, यहाँ का बहुत बुरा माहौल हो जाता है, रोड बहुत ख़राब हो जाती है, देखने में चलने में बड़ा दिक्कत होती है, चाहे वो बाइक हो या फिर पैदल हो या फिर फोर व्हीलर हो या फिर टू व्हीलर हो, काहे से भी आपको चारों तरफ घाटियां नज़र आ रही होंगी। हम लोग बहुत ऊंची पहाड़ी पर हैं, या आप देख सकते हैं साइड में हमारे पेड़ लगे हुए हैं, देखिए कितने नीचे गहराई पर लगे हुए हैं, साइड में दिखाइए खाएँ दिखाइए हम लोग बहुत ऊँचाई पर, लमसम 12-15 फुट ऊँचाई पर हैं। हम लोग नीचे खड़े हुए हैं, ऊपर से ट्रेन गुजरती है इस वजह से, ये हम लोग यहाँ पे हैं गोमती के नीचे खड़े हुए हैं, पुल के नीचे, यहाँ पे देख ऊपर जाने वाला खतरनाक। आपको नीचे दिखाया था, इसका ऊपर का देखिए कैसे क्या है, ऊपर देखिए कितनी नीचे गहरी नदी है। और ये देखिए हम लोग इसके ऊपर टहल रहे हैं, ये रेलवे ट्रैक है, इसके नीचे से आपको दिखाते हैं कनिकापुर, यहाँ से सामने से ट्रेन आती है, हम लोग ये इसके ऊपर हुए हैं, घूम रहे हैं, नीचे लोग बैंक चला रहे हैं, ये देखिए हमारे भाई साहब लोग हैं, सब लोग घूम रहे हैं, लोग आए हैं, ये हाँ ये देखिए भाई हैं, नीचे का देख लिए कितना गजब का व्यू आ रहा है यहाँ पे, ऊपर लाइट का सिस्टम है, नीचे लोग मछली पकड़ रहे हैं, हम लोग यहाँ ऊपर हैं, नीचे देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा, ये देखिए हम लोग चल रहे हैं, ये देखिए सा नीचे कितनी गहराई, ये देखिए कहाँ है हम लोग, तो हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, उतर रहे हैं, ये व्यू देख लिया बहुत ही ऑसम।